जैसा कि हम सबको पता है कि सावन इज इन, और सावन में खासकर जब हम अपने मम्मी के घर हो या जब हम अपने ससुराल में भी हो, तो मम्मियाँ हमें चूड़ियों से लैस करना नहीं भूलती। खासकर मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ सावन के समय और ज़्यादा दिलाती हैं। आई मीन जितने शॉप में रहते हैं, मम्मी की कोशिश होती है कि सारी चूड़ियों को मेरे लिए ग्रैब कर ले, क्योंकि मेरा साइज़ भी कुछ ज़्यादा है जो कि अमूमन मार्केट में नॉर्मली नहीं मिलते, और आते हैं तो जल्दी ही बिक जाते हैं। तो कुछ चूड़ियाँ मम्मा ने मेरे लिए दिलाई हैं, तो उन सभी चूड़ियों को मैं आपके सामने आज दिखाऊंगी, और साथ ही साथ आज आप जान पाएंगे कि बिहार में, झारखंड में फेमस लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी वेलकम यू बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका प्रियदर्शनी, आप सभी को मेरे चैनल प्रियदर्शनी टॉक्स में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप यू आर फाइन एंड फुल ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट्स मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल, एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके लिए रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन क्लिक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल के आने वाले सारे वीडियो, सारे पोस्ट्स के नोटिफिकेशंस आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। और साथ ही साथ मुझे फॉलो करें मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड इवन वर्डप्रेस पर भी। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इन चूड़ियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकती, क्योंकि इन सभी चूड़ियों को मम्मा ने ऑफलाइन खरीदे हैं, बट ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, शायद ये चूड़ियाँ आपको ऑनलाइन भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चूड़ियों को देखने से, रिव्यू से नहीं। रिव्यू बहुत अच्छा है, 100% है, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो चूड़ी दिखाऊंगी जो कि नॉर्मल ग्लास बैंगल है। नॉर्मल ग्लास बैंगल्स में मम्मा ने मेरे लिए कुछ ऐसी चूड़ियाँ दिलाई हैं जो कि 12 के सेट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डब्बे में भी 6 चूड़ियाँ हैं और ये 12 के सेट हैं। सो विथ गोल्डन डायमंड वर्क, स्टोन वर्क जो भी आप कह लें, तो गोल्डन कलर के साथ ये ग्रीन बैंगल्स हैं। तो ये रही ग्लास बैंगल की बात, अगेन ग्लास बैंगल्स भी और भी ज़्यादा मम्मा ने मुझे दिलाए हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास बैंगल्स से ही हमने शुरुआत की है, तो चलिए फिर से हम एक और ग्लास बैंगल के सेट को देख लेते हैं जो कि मम्मा ने अगेन दिलाई है। सो नेक्स्ट ग्लास बैंगल गोल्डन कलर में अगेन है, जो कि मम्मा ने मुझे दिलाई है, वो है ऐसी, आप देखें कुछ ऐसे गोल्डन कलर में, एंड अगेन ये 12 का सेट है। तो दिस इज द 6 सेट ऑफ बैंगल्स एंड द अदर 6 आर प्रेजेंट हियर। सो ये गोल्डन कलर का बैंगल, जिसको कि आप मिक्स एंड मैच करके भी पहनेंगे अगर किसी भी कलर के बैंगल्स के साथ, तो बहुत अच्छे लगेंगे अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। नाउ नेक्स्ट ग्लास बैंगल का जो सेट है वो भी अगेन 12 का सेट है, तो वो भी कुछ ऐसा है जो कि अगेन डायमंड स्टडेड या स्टोन स्टडेड जो भी आप कह लें, इसमें गोल्डन स्टोन्स लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लगेंगे पहने हुए जब आप इसको टीम करेंगे अपने किसी भी गोल्डन कड़ा के साथ, रियल गोल्ड के कड़ा के साथ या किसी भी कड़ों के साथ आप टीम अप करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। आप देख रहे हैं। सो दिस वॉज अनदर वन। द नेक्स्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ग्लास बैंगल्स आर प्रेजेंट हियर, और ये 8 के सेट में है, चार यहाँ है और 4 डब्बे में है। तो ये मरून कलर का विद ये ग्लास वर्क या स्टोन वर्क ये बैंगल आपको मिल भी जाएगा ऑनलाइन भी, और ये मम्मा ने मुझे दिलाया। सो ये रही ग्लास बैंगल्स की बात। अब हम शुरू करते हैं अपने लाख की चूड़ियों से। तो नाउ जब लाख की चूड़ियों की बात करें तो उनके खूबसूरती के क्या ही कहने। तो आप देख सकते हैं ये प्यारे येलो कलर, ग्रीन एंड रेड कलर की चूड़ियाँ मम्मा ने मुझे दिलाए हैं, जिसको कि आप चाहे तो डिवाइड करके बोथ द हैंड्स में पहन सकते हैं, एंड आप चाहे तो एक साथ पहन सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ डिवाइड एंड वेयर देम इन बोथ द हैंड्स। और इनकी एक अलग ही चार्म, एक अलग ही खूबसूरती होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं।
खासकर लाख की चूड़ियाँ बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं, आप देख रहे हैं। इनको बस आपको ज़्यादा हीट से प्रोटेक्ट करना होता है, तो अगर कोशिश करें लाख की चूड़ियों को आप अगर स्टोर कर रही हैं तो उनको कूल प्लेसेस में स्टोर करें। अगर आप इन चूड़ियों को अपने रेफ्रिजरेटर में रख रही हैं, जी हाँ रेफ्रिजरेटर में रख रही हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ होगी। तो ये कुछ ऐसी चूड़ियाँ। बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रही हूँ इनको दिखाते समय कि ये थोड़े भी ना गिरे, अदरवाइज दे टेंड टू ब्रेक वेरी इजीली, आई मीन व्हेन दे फॉल ऑफ। सो आप देखें, सो ये साड़ियों पर, आपके हेवी सूट्स पर, साड़ियों पर, खासकर साड़ियों पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आने वाले तीज में आई एम गोइंग टू अडॉन दीज चूड़ीज, दीज बैंगल्स फॉर माइसेल्फ। तो ये रही पहली लाख की चूड़ी की बात। अब चलिए मैं आपको फिर लाख की चूड़ी दूसरी दिखाती हूँ, जो दूसरा जो दूसरी लाख की चूड़ियों की सेट मैं दिखाने वाली हूँ। वो एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ लाख की चूड़ियाँ उसमें है, यानी कि टू सेट्स इसमें मौजूद हैं। एक सेट आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रही हैं एंड एक ये वाला सेट है। सो वो था डिफरेंट सेट, आई मीन कलर सेम है बट बोथ पे वर्क डिफरेंट किया हुआ है, जहाँ पर इस पे कुछ बीड्स वर्क है, आप देख रहे हैं। मैं पूरा इसलिए नहीं खोल रही हूँ कि इसे मुझे रखना पड़ेगा, और मैं इनको रखने में काफ़ी पुअर हूँ, आई मीन मुझे इनको ऐसे रैप करके रखना नहीं आता। मैं सीधा इनको मुंबई ले जाकर और फिर अपने बैंगल बॉक्स में डालने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। तो ऐसी लाख की चूड़ियाँ आपको ऑफलाइन ज़रूर मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आपको सर्च करना होगा तो आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप इसके काम को देख रहे हैं एंड यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों चूड़ियों में, दे आर सो ब्यूटिफुल, आई मीन रेड एंड गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं एंड दे आर ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एक्चुअली मुझे हैरत होती है इनको जो बनाते हैं, जो वर्कर्स बनाते हैं, उनके आर्ट पर, दे आर सो वेरी आर्टिस्टिक एंड दिस इज सो वेरी बिग वर्क, आई मीन ऑफ लाख। यू कैन सी हियर, यहाँ पर इन चूड़ियों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको बीड वर्क्स मिलेंगे, नीचे के साइड भी आपको बड़े बीड एंड स्टोन वर्क मिल रहे हैं इन चूड़ियों में। तो चलिए अब नेक्स्ट चूड़ी दिखाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट लाख की जो चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो पेयर हैं, यानी कि टू बैंगल्स हैं। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैंने आपको तरह तरह की चूड़ियाँ दिखाई हैं, बहुत सारे लाख के बैंगल्स भी जो एक हैंड में आप पहन सकती हैं, 6 के सेट्स, 12 के सेट्स, उनसे लेकर पेयर ऑफ लाख की चूड़ी। तो चलिए पहले वाले पेयर को मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ इन माई फेवरेट कलर अगैन, दैट इज रेड। सो वो कुछ ऐसी चूड़ी है, ये पूरी लाख की चूड़ी है जहाँ पे, सो ये कुछ ऐसी चूड़ी है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सेम कलर के स्टोन वर्क मिल रहे हैं एंड दीज स्टोन्स आर रियली नाइस क्वालिटी स्टोन्स विच आर इन द कलर रेड एंड गोल्डन, अगेन रेड गोल्डन। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बारीकी से अगर आप देखें तो बीड वर्क भी इस बैंगल में दिया हुआ है। सो ये सेट ऑफ टू है। सो जैसा कि मैंने कहा कि ये पेयर ऑफ बैंगल्स हैं, तो इनके साथ आपको और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, देखें दे आर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेट्स एंड ये बहुत ज़्यादा थिक भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम वेन कम्पेयर टू दोज थिन बैंगल्स दे आर वेरी वेरी स्टर्डी। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ लाख की बैंगल्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक्चुअली 4 हैं, आप देख रहे हैं, सो वेरी प्रिटी। ये सारे स्टोन वर्क इस पर किए गए हैं जो कि ब्लू एंड रेड एंड इवन वाइट कलर है, वाइट रेड गोल्डन पर्पल, इवन पर्पल कलर इसके रंग है। सो ये बहुत अच्छे कलरफुल हैं, आई मीन आप किसी भी ड्रेस के साथ इनको पहन सकते हैं। लाख में ये बात होती है जैसा कि मैंने कहा, समर्स में ये चिपक भी जाते हैं, ये दोनों चूड़ी आपस में चिपकी हुई थी, बट लाख को आप खींचे ना, आई मीन अगर आपकी लाख की चूड़ी चिपकी हुई है कहीं से तो उसको आराम से आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इनको अलग कर दिया बट मुझे दिखाना था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये दोनों चूड़ियाँ चिपकी हुई है तो इनको धीरे से आप साइड से करेंगे ना, आई मीन मिडल पोर्शन से, तो वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। डोंट इवन पुल देम, क्योंकि पुल करने से ये टूट जाते हैं काफ़ी टाइम। सो आप देख रहे हैं, दिस इज सो प्रिटी प्रिटी प्रिटी। सो अगेन आप देख रहे हैं, दिस इज सो वेरी प्रिटी, सो वेरी।
दिस इज ऑल अबाउट दिस बैंगल एंड एक और सेट मैं आपको दिखाना चाहूँगी. सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो बट दिस वॉज नेसेसरी. आई थिंक आई मीन दिस वॉज नेसेसरी फॉर मी. मैं भी चाहती हूँ कि हमेशा ये चीज़ें मुझे याद रहें और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद रहें. और साथ ही साथ अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सके ये वीडियो. अगेन जो मैं आपको लाख की चूड़ियाँ दिखाने वाली हूँ वो है कलर रेड में, आप देख रहे हैं. एंड ये सारी की सारी चिपकी हुई हैं, दीज आर फोर. नाउ आई एम शोइंग यू कि कैसे हम इन्हें निकाल सकते हैं. आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये बाहर निकल गए. ये इतने आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ये सीखा है मैंने अपने मॉम से. सो अगेन ये स्टोन वर्क के साथ ये लाख की चूड़ियाँ आपको मिल गई हैं. इनर साइड में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ये चूड़ी और समर्स में ये स्टिक हो जाते हैं या जब आप हॉट प्लेस में इनको रखते हैं स्टोर करते हैं तो ये स्टिक हो जाते हैं और कई बार ये डी शेप भी हो जाते हैं, अपने शेप से अलग फॉर्म में हो जाते हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको कूल प्लेस में रखें. और अगर आपको कूल प्लेस कोई नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल तो आप इनको रेफ्रिजरेटर में ज़रूर ज़रूर स्टोर करके रख सकते हैं. बैंगल्स को भी आप या तो पेयर करके दोनों हाथों में पहन सकते हैं या इनके बीच में आप कोई कंगन डाल के पहन सकते हैं किसी भी ओकेजन पे. ये बहुत प्यारे लगने वाले. तो वो तो रही लाख की चूड़ियों की ग्लास बैंगल्स की बात. एंड अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं भरे हुए बिंदी के पैकेट्स हैं जो मम्मा ने अगेन दिलाए हैं. एंड दीज आर ऑल आई मीन स्टोन बिंदीज, मेहंदी कोन्स, सिंदूर डिब्बी एंड अ काजल डिब्बी टू. आई मीन फॉर माई सन रुद्रवीर, तो उनको मैं टीका करती हूँ. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दीज ब्यूटिफुल लाख बैंगल कलेक्शंस विच आई हैड दिस मंथ फ्रॉम माई मॉम. येस दिस मंथ, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी मंथ, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड मंथ और एवरी थर्ड मंथ मेरी लाख की बैंगल्स की कलेक्शन ज़रूर हो जाती है मेरी मॉम की वजह से. क्योंकि मुझे एक्चुअली मुंबई में कोई भी लाख की बैंगल मेरे लिए नहीं मिलती और मम्मा मुझे हमेशा लाख की बैंगल्स दिलाते रहते हैं, इवन ग्लास बैंगल्स दिलाते रहते हैं. सो आई हैव अ ह्यूज, आई मस्ट से ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाख बैंगल्स जो कि अभी मुंबई में भी मेरे पास बहुत सारे हैं. मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन पूरे लाख बैंगल्स के पूरे कलेक्शन को मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँ. आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को, आई मीन बैंगल्स की वीडियो को देखने में आशा करती हूँ. दैट वॉज ऑल इन दिस ब्यूटिफुल वीडियो ऑफ ब्यूटिफुल ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाख एंड ग्लास बैंगल्स गिफ्टेड बाय माय मॉम द ओकेजन ऑफ सावन. तो सावन में इन सारी चूड़ियों के साथ मम्मा ने मेरे सूटकेस को भर दिया है. सो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. दैट वॉज ऑल, टेक केयर, बाय बाय. कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लविंग योर मॉम बिकॉज शी इज एवरीथिंग फॉर अस. बाय.